तो आज का जो मेरा ब्लॉग है उसमें मैं गिटार सीखने आया हूँ। तो देखते हैं ये हमारे टीचर हैं यहीं पे, तो वो मुझे कैसा गिटार सिखाते हैं। पहले मैं खुद बजा के बताऊँगा कि मैं कैसा गिटार बजाता हूँ। तो दो गिटार है, कौन सा चूज़ करूँ बजाने के लिए, चलो ये चूज़ करते हैं। आई होप मैं इसको बजा पाऊँ, बट हार कभी नहीं मानना चाहिए। बहुत ज़्यादा शौक है मेरे को मैं गिटार बजाऊँ। तो चलो अब देखते हैं कैसे गिटार बजाते हैं। हमें ना अकेले स्पेस पे आके बात करते हैं, तो यहाँ पे कोई हमें सुनने वाला नहीं है, ताकि हम अगर बुरा भी बजाएं तो कोई हंसने वाला भी नहीं है। तो देखते हैं और कमेंट करके जरूर बताएं कि मुझे गिटार बजाना आता है कि नहीं आता है। सीखने की कोशिश ना हमेशा रहनी चाहिए। तो देखते हैं, पहले एक्टर जैसे पोस्ट में खड़ा होता हूँ ताकि गर्ल्स लाइक करें, गर्ल्स भी अगर ये वीडियो देख रही है तो हंसना नहीं है। फर्स्ट टाइम है मेरा, स्टार्ट करते हैं। तो मैं गिटार सीखने आ गया हूँ, तो आज मैं अपने सर से मिलवाता हूँ जो मुझे गिटार सिखाएंगे। तो ये अपना इंट्रो देंगे। आई एम पवन सक्सेना, म्यूजिक क्लासेस, ये हमारा महाराजा कार्यक्रम के नाम से गुना झाकड़ कॉलोनी में है। और ये अब हमें आगे गिटार सिखाएंगे। इनके जो अवार्ड्स हैं, जो सर्टिफिकेट हैं, सब आप देख रहे हो, काफ़ी उन्होंने अवार्ड विनिंग किए, अवार्ड जीते हैं, काफ़ी अच्छा सिखाते हैं, नाम सुना है। अब मैं भी देखता हूँ, देख मुझे ये सिखा पाएंगे नहीं सिखा पाएंगे। वैसे तो मैंने कभी गिटार चलाया नहीं, बट आई होप मैं चलाना सीख जाऊँ, बजाना सीख जाऊँ। तो हम अब सीखते हैं। सर पहले आप बैठिए आराम से, फिर हम बैठ के बात करते हैं। जी, मैं आपको पहले बताना चाहता हूँ कि जो मेरे पास जो भी जितनी भी डिग्री है सब अलग अलग चीज़ की है। सितार की अलग है, तबला की अलग है, गिटार की अलग है, हारमोनियम की अलग है, कैसियो की अलग है, हर चीज़ की सबकी डिग्री अलग है। तो सर ये आपको सब कुछ आता है बजाना? बिल्कुल। तो सर मुझे आप कितने दिन में सिखा दोगे? वो आपके लगन के ऊपर, आप 6 महीने में सीख सकते हो, साल भर में सीख सकते हो। और सर मतलब मुझ में क्या क्या होना चाहिए जो मैं इसको सीख सकता हूँ गिटार बजाना? आपको हर चीज़ में 15 अलंकार होते हो, अलंकार ही आपको सिखाता है। अच्छा। अलंकार सीखते हो जैसे सा रे गामा पा धा नि सा, ये अलंकार होते हैं, तो उसके भी अलग अलंकार होते हैं, तो उसी हिसाब से आप सीख सकते हो। तो सर मैंने तो कभी गिटार चलाया नहीं, आप कृपया बताइए कि ये कितने तार होते हैं, कितने क्या होता है सर? वैसे इसमें मतलब क्या क्या क्वालिटी होती है? क्वालिटी इसमें किसी चीज़ की नहीं, क्वालिटी से इसमें अलंकारी होती है। अच्छा, तो सर ये सुर अपन मिलाते हैं, इसको अपन मतलब माइंड से मिलाना पड़ती है, फिर सीखना पड़ती है इसके लिए सारे गामा वगैरह? सारे गामा भी इससे सीखते हो, गिटार भी सारे गामा बजते हैं, सारे गामा हर टाइम में हर जगह सारे गामा चलते। हाँ, तो सर मैं भी सीखना चाहता हूँ, मेरी ख्वाहिश है। तो सर अब मैं आज से आ जाऊँ आपकी क्लास में? जी बिल्कुल, आप आज से आ जाइए। चल आप इसमें क्या, हमारे यहाँ पे 200 रुपये का फॉर्म भेजा जाता है कि आपके यहाँ पे 200 रुपये का फॉर्म भेजा जाता है। अच्छा, और सर आप इसके सर पूरे चार्जेस कितने कितने मंथली है या फिर एक ईयर्स के लिए कैसे? मंथली 500 रुपये, और इसके बाद फिर 6 महीने में पेपर होता है, जो भार होता है पेपर। और सर आपके तो अवार्ड बहुत सारे रखे हैं सर, आप मतलब भार के ये जितने भी है
सर काफ़ी अच्छे अवार्ड विनिंग कर रखे हैं, सर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो इन सब कामों में, तो आपने सीखना कब स्टार्ट किया? मैंने काफ़ी टाइम से सीखना स्टार्ट किया, मैंने सीखा छत्तीसगढ़ गया था सीखने के लिए मैं। तो सर ये आपके छत्तीसगढ़ वाले भी फोटोज वगैरह हैं, खेरागढ़ वाले जो किला है वहाँ पर ही मैंने आपके फोटोज देखे, आपकी एल्बम्स भी है, तो सर आप मतलब हर इंसान को मतलब सब कुछ सिखा सकते हो, गठियार वगैरह सब चीज, तो सर अच्छी बात है। बाकी की जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको कुछ सीखना है तो मैं इस वीडियो में आपको एड्रेस मेंशन कर दूंगा, आप सर से आके सब कुछ सीख सकते हैं। और जबकि छोटे बच्चे 4 साल के बच्चे भी यहाँ पे सीखने आते हैं, अगर आप देख सकते हो बता सकते हो कि छोटे। तो अभी जैसे कि आपको आवाज़ आ रही है यहाँ पे अभी सब कुछ ट्रेनिंग चल रही है, सब कुछ अभी क्लासेस चल रही है, तो सब वहाँ पे आप भी सीख सकते हो। और आपकी ख्वाहिश है सिंगर बनना या बजाना ही सीख सकते हो, आप गाना सीख सकते हो, तो सर आप सिंगिंग करना भी सिखाते हो? जी बिल्कुल। तो आप सिंगिंग करना भी सीख सकते हैं, तो ये देखो यार इतने अवार्ड मैंने तो कभी सोचे भी नहीं होंगे। सर आपने भी ये डिग्रियां देख रहे हो भाई, डिग्रियां मैंने 12th पास करने में मैंने जान लगा दी, और संगीत के दाता होता है, सरस्वती माता होती है, ये सब कुछ। सर आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो तो सर मुझे सीखना है, तो मैं आज से क्लास ज्वाइन कर लूँ? बिल्कुल आज से आ जाएगी। तो आप मुझे अभी देख दीजिए आपका फॉर्म कैसा फॉर्म है, अभी उसको भरता हूँ और फिर मैं आज से क्लास ज्वाइन करता हूँ। आपको अगर आपका अभी एक पासपोर्ट फोटो है नहीं, अगर नहीं होगा तो आप कल लेना, एक फॉर्म आता है। फोटो भी लगेगा? ठीक है सर मैं कल फोटो ले आऊँगा, अभी तो फिलहाल नहीं है मेरे पास। एक ऐसा फॉर्म आता है बता दूँ जो आपको भरोगे, ये इतने बच्चे ये फॉर्म हैगा महाविद्यालय, ये फॉर्म हैगा, ये एड्रेस आपको मेंशन करना है, यहाँ पे किसी का फोटो लग रहा है तो मैं उसको छुपा रहा हूँ, मैं किसी का फोटो लेके नहीं आ सकता वीडियो में। और हम सर हम आपकी क्लासेस भी देख सकते हैं? बिल्कुल। तो जैसे कि अभी सर की क्लासेस चल रही हैं तो अभी आपको जैसे कि पता है क्लासेस चल रही है तो हमें ना आवाज़ नहीं कर पाएंगे, तो आप है ना साइलेंटली मेरी आवाज़ नहीं आएगी, आप पूरी क्लासेस देख सकते हो कौन सी क्लास है। छोटे छोटे बच्चे भी तो अभी हमने साइलेंटली आपको क्लासेस बताई है कि यहाँ पे क्लासेस चलती हैं, तो आप गुना जिले में आ सकते हो, एड्रेस मैंने मेंशन कर दिया। मैं भी आज से गिटार बजाना सीखूंगा, तो आई होप अब मैं गिटार बजाऊं, मैंने जैसे कि आपको आगे खुद बजा के बताया था मैंने अभी तक सीखा नहीं, तो अब मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली, तो देखते हैं मैं ट्रेनिंग में कितने दिन बाद गिटार बजाना सीख जाऊं। तो अभी मैंने आपको बताया अंदर क्लासेस चल रही हैं, तो हमने साइलेंटली सब कुछ शूट किया, थोड़ा बहुत एक दो तीन मिनट का शूट किया, 2-3 सेकंड का। तो अब मैं भी है ना गिटार बजाना सीखूंगा, जैसे कि आपने देखा मुझे तो बजाना आता नहीं, अब मुझे मेरे सर सिखाएंगे, अब देखते हैं मैं हार्डवर्क करूँगा तो कितने दिन में गिटार बजाना सीख सकता हूँ। आगे ये ब्लॉग कंटिन्यू चलेगा, मैं गिटार बजाऊंगा, मेरे सर भी सिखाएंगे क्या क्या होते हैं सारे काम, पता नहीं सर, ये मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा है, मुझे रियल में तो कुछ पता नहीं है। आई होप आपको पता हो, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं, तो देखते हैं आगे सीख के क्या होता है। तो आज हमारे सर गा के बताने वाले हैं और सॉन्ग्स भी काफ़ी अच्छा है, तो हम देखते हैं सर कैसे बजाते और हमें कैसे सिखाते, तो सर स्टार्ट कीजिए। Yeah.
बताया, उनसे भी बड़े सर थे, उनके भी गुरु थे, तो जैसे कि उन्होंने हमें बजा के बताया, गा के बताया मेरे हमसे पर, तो हम भी कोशिश करते हैं कोई गाना गाने का और कोई बजाने का, वो तो नहीं पाएगा बट कोशिश करने में क्या जाता है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एड्रेस नीचे मेंशन है, आप जाकर अभी एड्रेस पे आए और आप भी ज्वाइन हो सकते हैं मेरे साथ, और मेरे साथ मिलने का मौका भी आपको मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग माय ब्लॉग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट ब्लॉग में।